हे गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेंस कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। मेंस कुर्ती की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान तरीके के साथ बताएंगे। यदि दोस्तों आपको मेंस कुर्ती की कटिंग सीखना है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप नहीं करेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कुर्ती की कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कुर्ती कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 2.25 मीटर। इसमें हमारी कुर्ती की कटिंग आसानी के साथ हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका नाप समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका तीरा है, 32 इंच इसका सीना है, 28 इंच इसकी कमर है, 23 इंच बाजू की लंबाई है और दोस्तों हम इसमें कफ लगाएंगे। यदि दोस्तों आपको इसमें कफ नहीं लगाना है तो हम वो भी बता देंगे। इसका कॉलर है 14.5 इंच। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। दोस्तों कपड़ा हम किस तरीके से बिछाते हैं, दोस्तों कपड़ा हम जो हमारा बॉटम रहेगा तो बॉटम के हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। दोस्तों जो सीधा हिस्सा है हमारा अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। अब चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है हमारी 28 इंच। तो इस तरीके से हम फीते को रखेंगे और यहाँ से लगा देंगे 28 इंच पर निशान। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। बटन फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन लेंगे। तो हम इसमें मार्जिन ले लेंगे 0.5 इंच। बटम हमारा नाखूनी फोल्ड होता है, इसके लिए हमने मार्जिन लिया है 0.5 इंच। आर्मोल का निशान लगाएंगे। दोस्तों आर्मोल का निशान हम सीने का 1/4 भाग करके लगाते हैं। जैसे हमारा सीना है इसका 32 इंच, तो 32 का हुआ 8 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 8 इंच पे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। कुर्ती में हमारा जो आर्मोल है थोड़ा ढीला ही पहना जाता है। दोस्तों जितना हमारा आर्मोल आया हुआ है उतना लगा लिया है। यदि दोस्तों आपको आर्मोल फिटिंग में पहनना है तो इसमें 0.5 इंच माइनस करके आप निशान लगा लें। दोस्तों कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, ये जो हमारा मार्क है बॉटम वाला और ये आर्मोल वाला मार्क है, इन मार्कों को हम नाप लेंगे। नापने के बाद इसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हम इतना निशान लगा लेंगे। आप इस तरीके से भी आधा कर सकते हैं। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे हाले का। तो हाले का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, हाले का निशान हमारा सीने का 12वां हिस्सा लगता है, नहीं तो हमने आपको तरीका बताया है। हम यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। जब हम कॉलर को चढ़ाएंगे तो हम हाले को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपको हाला छांटना नहीं आता है और कॉलर किस तरीके से लगाते हैं यदि लगाना नहीं आता है तो
उस वीडियो का लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप कॉलर चढ़ाना सीख सकते हैं। अब दोस्तों हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो तीरा है हमारा 17 इंच, तो 17 का हम आधा करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस हम इसमें आधा इंच मार्जिन का और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर निशान हम लगा देंगे 9 इंच पर। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसकी कंदी हम डाउन करते हैं, इसकी कंदी हम डाउन करेंगे 1.25 इंच। अब दोस्तों यहां पर हम निशान किस तरीके से लगाते हैं। दोस्तों यदि आपको आर्मोल एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग में चाहिए तो जितना हमने निशान यहां पर लगाया है उतना ही निशान हम यहां पर लगा देंगे। यदि आपको ढीला पहनना है तो आप 1 इंच पर निशान लगाएं। अब ये जो मार्क हैं इन मार्कों को हम सेव देंगे। तो सेव हम किस तरीके से देंगे, ये हमने सेफर लिया हुआ है, सेफर को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से सेव दे देंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी हम सेव दे देंगे। अब दोस्तों हम जो ताबीज़ बनाते हैं तो ताबीज़ के लिए हम कितना मार्क रखेंगे, तो यहाँ से हम ताबीज़ के लिए मार्क रखेंगे 9.5 इंच का। जब हमारा ताबीज़ बनेगा तो हमारा 1.5 इंच का जो है फ्लैकेट बनता है, तो इस तरीके से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और एक मार्क खींच देंगे। दोस्तों हम सीने का निशान लगाएंगे, तो सीना है हमारा 32 इंच, तो 32 को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। 8 इंच में प्लस हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, क्यों हम इसको फिटिंग में काट रहे हैं इसके लिए, तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर इस तरीके से। और दोस्तों इतना ही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे बॉटम पर इस तरीके से। सीने का और बॉटम का मार्क सेम रहेगा। कमर का निशान लगाएंगे, कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 का हम 1/4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच, प्लस हम इसमें यहाँ पर जो लूजिंग देंगे वो देंगे 1.25 इंच की। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हमने लूजिंग दी है 1.5 इंच की, यहाँ पर हमने 1.25 इंच की लूजिंग दी है और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच की लूजिंग दी हुई है। पेट में हम थोड़ा सा ज़्यादा लूजिंग देंगे 2 सूत। अब दोस्तों हम इसमें सेब देंगे, तो सेब हम किस तरीके से देंगे, इस तरीके से सेफर को लेंगे और यहाँ से रखेंगे इस तरीके से मिला देंगे। अब दोस्तों हम नीचे किस तरीके से सेब देंगे, तो हम सेफर को इस तरीके से रखेंगे, रखने के बाद हम इस तरीके से सेब दे देंगे। दोस्तों जो सेब है हमें अच्छी तरीके से देनी है, यहाँ पर भी हम सेब दे देंगे, तो इस तरीके से हम सेफर को रखेंगे, हल्का सा राउंड में हम सेब दे देंगे। इसमें हम चाक खोलेंगे, तो चाक खोलने के लिए हमने यहाँ से निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर, आर्मोल में हम सेब दे देंगे। यदि दोस्तों आपको जो दामन है वो गोल में रखना है तो आप गोल में भी रख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो हमारी मार्किंग है वो रेडी है, इसकी हम कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। बैक पल्ले की हम कटिंग करेंगे, तो बैक पल्ले की हम कटिंग किस तरीके से करते हैं चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने फ्रंट पल्ले का कपड़ा बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम बैक पल्ले के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों जो हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग की हुई थी उस पल्ले को हम इसके ऊपर बिछा देंगे। तो दोस्तों फ्रंट पल्ले को आप थोड़ा सा नीचे करके बिछाइए क्योंकि जो हमारी बैक है इसमें सलग कटती है, कोई तीरा नहीं लगेगा, तो हम इसमें बैक को पूरा काटेंगे। और दोस्तों इसमें जो बैक का पल्ला है बराबर रखते हैं, इस तरीके से पल्ले को दोनों बराबर करके बिछाएंगे। यहाँ पर हम मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम उठाएंगे 2.5 इंच और यहाँ से भी हम बैक उठाएंगे 2.5 इंच। इस तरीके से हमने इसको उठा दिया है। उठाने के बाद दोस्तों इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों बैक हम यहाँ से डाउन करेंगे 2 इंच और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। इन मार्कों को हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम शेप दे देंगे, तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 17 इंच, तो 17 का हम हाफ करेंगे 8.5 इंच प्लस आधा इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। इस तरीके से हम स्केल को लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे स्केल को और यहाँ से सीधा खींच देंगे। खींचने के बाद हम यहाँ पर राउंड देंगे इस तरीके से। हमारी जो बैक की मार्किंग है वो हो गई है। अब हम बैक को भी कट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। दोस्तों जैसे आपको दामन गोल रखना है तो आप इस तरीके से निशान लगा लें तो आपका जो दामन है गोल हो जाएगा। दोस्तों हमें इसका जो दामन है वो इसी तरीके से रखना है चौकोर, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम चाक का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक चटका लगा लेते हैं। इसमें हम साइड पॉकेट नहीं लगाएंगे। यदि आपको साइड पॉकेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी बाजू कटिंग करना बताएंगे आपको, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, हमारी कंधी इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से हमारी ये कंधी आ जाएगी। कुर्ती हमारी थोड़ी सी ढीली रहती है जो पहनने पर हमें आराम मिले। चलिए बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू कटिंग करने के लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसको क्रॉस में फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको क्रॉस में फोल्ड कर लिया है। दोस्तों हमारी जो दोनों बाजू हैं एक साथ कटेंगी। एक मार्क हम सीधा लगाएंगे। इस तरीके से हमने सीधा मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 23 इंच।
तो दोस्तों जैसे आपको कफ लगाना है तो कफ के लिए आप निशान लगाएं 22 इंच पर, 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। और जैसे आपको कफ नहीं लगाना है तो आप निशान लगाएंगे 23.5 इंच पर, यानी 23 इंच में आधा इंच प्लस करेंगे ऊपर मार्जिन का। तो हम इसमें कफ लगाएंगे तो हम इसमें 1 इंच माइनस करके लगाएंगे लंबाई से। निशान लगा लिया है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहां से हम निशान लगाएंगे 5.25 इंच का। दोस्तों हम कफ में प्लेट नहीं डालेंगे तो इसके लिए हमने 5.25 इंच पे निशान लगाया है। जैसे आपको इसमें प्लेट डालनी है तो आप इस तरीके से 5.5 पे भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें हम जो सेब है वो किस तरीके से देंगे, हमने जो आर्मोल काटा हुआ है तो आर्मोल काटा था हमने 8 इंच, तो यहाँ से हम रखेंगे 8.5 इंच और राउंड में हम दे देंगे 9 इंच इस वाले मार्क से, और यहाँ पर बिल्कुल सीध आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 9 इंच पर निशान इस तरीके से, और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे आपको बाजू फिटिंग में रखनी है तो आप सेफर से सेब देंगे, यदि आपको ढीली बाजू पहननी है तो आप इस तरीके से रखकर निशान लगा सकते हैं। हमें इसको फिटिंग में काटना है तो हम इस तरीके से सेफर को लेंगे और यहाँ से मिला देंगे और शेप दे देंगे इसमें, जो हमारी बाजू है वो अच्छी तरीके से आ जाएगी। ऊपर से हम सेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे मार्क लग गए हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ऊपर राउंड हम किस तरीके से देते हैं तो पल्ली को हम इस तरीके से खोलकर बिछाएंगे। जो हमारा गड्ढा दिया जाता है वो फ्रंट वाले हिस्से में दिया जाता है, तो हम यहाँ से इस तरीके से इसमें गड्ढा दे देंगे। चटका लगा लेंगे जिससे हमें पता रहे कि फ्रंट वाला हिस्सा हमारा कौन सा है। अब दोस्तों चाक पट्टी हम किस तरीके से काटते हैं, तो चाक पट्टी हमारे बैक वाले हिस्से में कटती है, इस तरीके से बिछाएंगे। कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि कपड़े के तीन भाग हो जाएं बराबर। अच्छी तरीके से नाखून मारकर इसमें जो है निशान बना लेंगे। चाक पट्टी हमें जितना रखना है तो उतने पर निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। दोस्तों यदि आपको कुर्ती की कटिंग करने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल LT टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।